हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबलीस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली स्टाइल चिंगड़ी मसाला करी। तो चलो शुरू करते हैं। बंगाली स्टाइल चिंगड़ी मसाला करी बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिंगड़ी को वॉश कर लिया है। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट यहाँ पर ऐड किया है। हाफ कप जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पर मैंने लिया है, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। हंड्रेड ग्राम कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है, इसको हम यहाँ पर ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाकर हम हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने देंगे। यहाँ पर मैंने पैन को हीट कर लिया है। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड करूँगी। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। इसको पहले हम हीट होने देंगे। अब ऑयल हमारा हीट हो गया है। यहाँ पर मैंने 3 बिग साइज के ओनियन को स्लाइस करके लिया है। इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से भून कर फ्राई करेंगे। अब हमारा ओनियन ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम ब्राउन ओनियन को निकाल लिया है, इसको हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। पहले से ही हम पोटैटो को स्लाइस करके रखा है, इसको हम यहाँ पर ऐड करके इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा पोटैटो ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। इसको हम पहले क्रैकल होने देंगे। पर मैंने 1/2 टेबल स्पून कलौंजी ऐड किया है। खरे मसाले अब क्रैकल हो चुका है। यहाँ पर हम मैरिनेट किए गए प्रॉन को ऐड करेंगे। इसको हम कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पर ढक्कन निकालकर चेक करेंगे। यहाँ पर देखो सारे वाटर अब सोख हो चुका है। हम बाकी के मसाले यहाँ पर ऐड करके इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। याद रखें यहाँ पर हम गैस को स्लो फ्लेम पे रख कर पकाएंगे। ब्राउन किए हैं ओनियन को हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए ओपन करके पकाएंगे। बाद में इसको 3 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हो चुका है, ढक्कन निकल के इसको चेक करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे सारे ऑयल सेपरेट हो गया है। हमारे बाकी के मसाले यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून चिकन मसाला लिया है, इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून क्रीम लिया है, इसको यहाँ पर
ऐड कर लेंगे। यह फ्रेश क्रीम है। वन कप यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी लिया है, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर से इसको ढककर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 2 मिनट हो गया है, यहाँ पर चेक करेंगे। देखो हमारा सारा ऑयल मसाला से अलग हो गया है। फ्राइड किए हुए पटाटो को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। इसको हम इस तरह चलाकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पटाटो को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम कवर करके 1 मिनट तक पकाएंगे। पोटैटो प्रॉन मसाला अब हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 कप हॉट वाटर ऐड किया है। हम पतला सा झोल बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 कप वाटर ऐड किया है। इसको हम कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मिनट हो चुका है, हम ढक्कन को निकाल के चेक करेंगे। देखो हमारा पोटैटो प्रॉन करी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी लिया है, इसको ऐस करके इस तरह ऐड करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसको एक बार आप घर में ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।